नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों कैसे अप्लाई करेंगे पूरी जानकारी पाएंगे आप इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और टाइप करते हैं सरकारी रिजल्ट। तो दोस्तों देखते हैं सरकारी रिजल्ट टाइप करके सर्च करते हैं। दोस्तों सरकारी रिजल्ट में जाने के बाद आपको यहाँ लेटेस्ट जॉब में जाएंगे। लेटेस्ट जॉब में जाते ही दूसरे नंबर पे दिखाई देगा आपको बिहार बीटीएससी जेई ऑनलाइन फार्म 2019। तो दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं बिहार बीटीएससी जेई ऑनलाइन। तो देखो देखिए दोस्तों जो है यहाँ पर ये पेज खुल गया है। इसमें हम देखते हैं दोस्तों इस फार्म ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट 11 मार्च और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 15 अप्रैल है। दोस्तों फीस यहाँ 200 रुपये है जनरल और अदर स्टेट के लिए, बाकी एससी के लिए 500 है और फीमेल के लिए भी 50 रुपये, एससी के लिए 50 रुपये और फीमेल के लिए भी 50 रुपये। तो दोस्तों यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके हम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2019 स्टार्ट डेट एंड डेट और डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो हम यहाँ अप्लाई हियर पे क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम लिखा है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन डेट लिखी है और लास्ट डेट लिखी है, और यहाँ पर आप चाहे तो एडवर्टाइजमेंट इसका देख सकते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको 3 पोस्ट दिखाई देंगे, जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो आप जिससे डिप्लोमा की है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं मैकेनिकल पे अप्लाई करता हूं दोस्तों। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों आप देखते हैं ऐसा पेज खुलता है। इस पेज में यहाँ डिक्लेरेशन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक्सेप्ट कंडीशन पर क्लिक करके आई एक्सेप्टेड करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में एक क्लिक नहीं होता तो आप रोटेट करके जो है क्लिक कर सकते हैं। फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक नया पेज खुलेगा इस प्रकार का। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट नेम आपको शो करेगा और फार्म को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार का आपको फार्म दिखाई देगा जिसमें जो है आपको अपनी डिटेल इंटर करनी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम में जो है अपना नेम इंटर कर लेते हैं। दोस्तों आप अपना नेम इंटर कर लीजिए कैंडिडेट नेम में। फिर उसके बाद है दोस्तों फादर्स नेम, तो फादर्स नेम में फादर्स नेम इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मदर्स नेम है, तो मदर्स नेम इंटर कर लेते हैं। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, DOB, पहले डेट, फिर मंथ, उसके बाद ईयर। तो ईयर इंटर कर लेते हैं। ईयर इंटर करने के बाद दोस्तों इसके बाद जो है जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल। इसके बाद दोस्तों मैरिड स्टेटस अपलोड करना है, यस या नो करना है। इसके बाद सिटीजनशिप, आपको अपनी सिटीजनशिप चॉइस करनी है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। फिर आपको अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है। फिर डोमेसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, डोमेसाइल सेलेक्ट करना है। तो अगर आप बिहार के हैं तो बिहार, नहीं तो अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट। कैटेगरी, अगर आप अदर स्टेट में हैं तो केवल जनरल शो करेगा, अगर बिहार में है तो सभी कैटेगरी शो करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, दोस्तों मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ईमेल आईडी इंटर करनी है दोस्तों। तो चलिए ईमेल आईडी हम अपने इंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो पहले ईमेल आईडी फिलअप कर लेते हैं दोस्तों। ईमेल आईडी के बाद आपको अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है दोस्तों। तो सबसे पहले नेम दोस्तों यहाँ अपने पिताजी का नाम या जिसके केयर में आप हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर विलेज, हाउस नंबर या विलेज, तो हम विलेज लिख लेते हैं दोस्तों।
विलेज के बाद दोस्तों आपको पोस्ट पोस्ट ऑफिस अपना इंटर करना है, तो पोस्ट ऑफिस इंटर कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस के बाद दोस्तों अपना स्टेट नेम, स्टेट उत्तर प्रदेश हम चॉइस कर लेते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम के बाद दोस्तों ब्लॉक नेम, ब्लॉक नेम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक नेम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों पुलिस स्टेशन अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जो है अपना पिन कोड इंटर कर लेते हैं। पिन कोड इंटर कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद अपना पिन कोड इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल बोर्ड का नाम, तो बोर्ड जो भी आपका बोर्ड हो, आप इसमें ऑप्शन है सारे, आप बोर्ड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन है, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। उसके बाद दोस्तों आपको ईयर ऑफ पासिंग ईयर इंटर करना है, तो ईयर ऑफ पासिंग इंटर कर लेते हैं। तो जिस सन में आप हाई स्कूल पास किए हैं, फिर उसके बाद दोस्तों रोल नंबर आपको इंटर करना है, तो चलिए रोल नंबर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मार्क किस प्रकार आपके मार्कशीट में है, मार्क है, परसेंटेज है, ग्रेड है, पॉइंट सिस्टम है, जो भी ऑप्शन हो, तो मैं यहाँ हाई स्कूल में परसेंटेज इंटर कर लेता हूँ। आप चाहे तो मार्क भी इंटर कर सकते हैं, तो अगर परसेंटेज करते हैं तो आप 10 मैक्सिमम मार्क हट जाता है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज इंटर करना होता है। अगर आप मार्क पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको आप 10 और मैक्सिमम मार्क जो है इंटर करना पड़ता है। यहाँ डिवीजन, डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, आपका जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन रहा हो। इसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी है दोस्तों, तो इंटरमीडिएट पे अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो यस करिए, नहीं तो नो, तो मैंने कर रखा है। इसके बाद आपको बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है, तो वही उत्तर प्रदेश बोर्ड आप टेक हाई स्कूल जो मेरा है, आपका जो भी हो। इसके बाद ईयर पासिंग ईयर आपको इंटर करनी है, इन 10+2 का। इसके बाद दो रोल नंबर आपको फिलअप करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंटर नहीं किए हैं, डायरेक्ट डिप्लोमा किए हैं 10th के बाद, तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है फिलअप करना। इसके बाद दोस्तों अपन अपना परसेंट से मार्क टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं मार्क इसमें सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आप 10 मार्क फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम मार्क, तो सबसे पहले आप 10 मार्क्स फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद मैक्सिमम मार्क, तो मैंने मैक्सिमम। इसके बाद परसेंटेज अपने आप शो करने लगेगा। इसके बाद आप डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो आपका, तो दोस्तों ये इस प्रकार हो गया है, देखिए सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, डिप्लोम टेक्निकल इसेंटियल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, तो आप मैकेनिकल यस या नो करना है, तो आपको यस ही करना पड़ेगा, नो करेंगे तो फार्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जो है आपको अपने कॉलेज का नेम इंटर करना है, तो अगर आप बिहार के हैं तो बिहार कॉलेज सेलेक्ट, अदर बोर्ड पे आकर सेलेक्ट करके अपना कॉलेज का नाम इंटर कर लीजिए। तो चलिए मैं अपने कॉलेज का नाम इंटर कर लेता हूँ, आपके जो भी कॉलेज का नाम हो वो इंटर कर लीजिए। तो वो कॉलेज का नाम मैं इंटर कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग, इसके बाद दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग आपको इंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग इंटर कर लीजिए दोस्तों, तो मैं ईयर ऑफ पासिंग अपना इंटर कर लेता हूँ दोस्तों, तो ईयर ऑफ पासिंग जो है इंटर कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद जो है दोस्तों आपको ग्रेड सिस्टम है तो यस, नहीं तो नो, तो मेरा ग्रेड सिस्टम नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल मार्क, आप 10 मार्क आपको इंटर करना है और टोटल मैक्सिमम मार्क, तो टोटल आप 10 मार्क पहले इंटर कर लेते हैं, जितना आप जो है
अपने डिप्लोमा में जितने नंबर पाए हैं वो इंटर करना है। फिर उसके बाद दोस्तों जो है टोटल मैक्सिमम मार्क जो है कितने का पेपर था, परसेंटेज अपने आप दोस्तों शो करने लगेगा। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज शो करने लगा, इसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं और यहाँ कैप्चा इंटर करके वैलिडेट एंड प्रीव्यू करते हैं। तो कैप्चा इंटर कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखना है कि कैप्चा इंटर करने के बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो कोई भी ज़रूरी चीज़ें जो अगर बचा रह गया रह जाएगा तो वो आपको शो कर देगा। तो घबराने कोई दिक्कत नहीं, गलती होने का चांस नहीं दोस्तों। अगर कोई भी खाली जगह छूट जाती है तो आप फार्म आगे सबमिट नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, कैप्चा इंटर करके वैलिडेट करते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने कैप्चा इंटर की कर लिया है, तो अब जो है वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ शो कर रहा है, लगता है कोई कोई स्थान खाली रह गया है। तो हम चलिए देख लेते हैं फार्म को, और जो कोई स्थान अगर खाली रहेगा तो देखिए दोस्तों यहाँ थाना का नाम, पुलिस स्टेशन नाम छूट गया है। तो पुलिस स्टेशन नाम जो है आपको फिलअप कर लेना है। तो मैं अपने पुलिस स्टेशन का नाम फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद आप दोबारा सबमिट करते हैं दोस्तों। फिर लगता है कुछ दोस्तों छूट गया है, देख लेते हैं एक बार पूरे फार्म को। तो देख लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल में हाई स्कूल के डिटेल डिवीज़न सेलेक्ट करना छूट गया है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है सबमिट करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार अगर कोई छूट जाता है तो आगे फार्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ये आपकी डिटेल आ जाएगी, आप एक बार चेक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लें अपना जो है डिटेल, देख लेता हूँ यहाँ पर अपना डिटेल सारी जो है मैंने चेक कर लेता हूँ। तो अगर आपका डिटेल सारी सही भरा गया है आप चेक कर लीजिए, तो आप फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ें अन्यथा एडिट करें। तो मैंने देख लिया मेरी सारी चीज़ें ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, क्लिक करिए और सबमिट कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। तो मेरा सारी डिटेल सही है तो मैं सबमिट कर ले। तो देखते देखिए दोस्तों यहाँ लिख रहा है कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड। तो आप रजिस्टर्ड होकर रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, और आपके मोबाइल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पे। तो ये देखिए दोस्तों फार्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप फीस पेमेंट करेंगे, 200 रुपये है अगर अदर स्टेट के हैं, हाँ वहाँ के जनरल कैंडिडेट है। तो दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। तो देखिए दोस्तों वीडियो देख ये आप फार्म जो है आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो और फीस पेमेंट के लिए प्रोसीड करिए दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाएं दोस्तों।